राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा, मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि अपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रवालों के स्वागत बा। एकरा पहले कथा चलत रहे कि भगवान बड़ा अद्भुत प्रसंग बा। दुनिया में संत लोग उपदेश देवेला, भक्त लोग सुनेला भगवान के बारे में, यहां भगवान जी उपदेश देता नहीं। दुनिया के एक एक शास्त्र बा, बाकी सब शास्त्र में क्यों ना क्यों कहले बा। जैसे शंकर भगवान पार्वती जी के सुनेनी, लेकिन शंकर भगवान संसारी क्यों के ना सुनेनी। कौनो शास्त्र ऐसा बा, एक एक शास्त्र बा। श्रीमद भगवत गीता जो नाम भगवान कृष्ण अर्जुन के सुनाई, भगवाने उपदेश देता नहीं। आ दूसरे को यह प्रसंग बा जहां राम जी लक्ष्मण जी के उपदेश दे रहल बने। तो भक्ति के साधन भगवान बता रहल बने लक्ष्मण जी के, ये विप्रचरण अनुराग। पहले विप्रचरण कहनी, ओकरा बाद कहनी कि अपना अपना कर्तव्य के पालन श्रुति और शास्त्र के हिसाब से कई जाओ तो भक्ति दृढ़ हो जाए। विषय विराग, विषय वासना से रति खत्म हो जाए और धर्म दृढ़ हो जाए। श्रवणादिक भक्ति दृढ़ हो जाए, श्रवणादिक भक्ति का एकर विस्तृत वर्णन भागवत महापुराण में आई बा। जोन भगवान यहां संकेत करतनी, ई भक्ति नौ प्रकार के भागवत महापुराण में वर्णन बा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शाख्य आत्मनिवेदनम। ये नौ को भक्ति बतैनी लक्ष्मण जी के संकेत में। यहां कहले बनी कि श्रवणादिक भक्ति दृढ़ होला, एकर उपदेश यहां ना दे। यहां खाली लखन जी से कहनी कि जब विप्र के चरण में अनुराग हो को, संत के चरण में अनुराग हो को, अपन कर्तव्य के पालन कर जाओ तो अपने आप सहज श्रवणादिक भक्ति दृढ़ हो जाना। तो थोड़ा थोड़ा समझ लिया हो कि श्रवणादिक भक्ति का है। श्रवणम पहला है, ओकर पहल का कि सुनल भक्ति है। सुनल भगवान के कथा सुनल, निमन निमल बात सुनल, ये श्रवण भक्ति। लोग कहला कि जोन सुनतनी तो उन करी कर्म में आ जाई, व्यवहार में आ जाई, तब ओकर धर्म मानल जाई। आ ए चक्कर में लोग कहला लोग पालन ही नहीं करत, सुन के कथा पुराण का हुई। दवाई के फायदे नहीं के हो तो दवाई खैला से का हुई। ढेर बुद्धिमान लोग दवाइये ना खाला, दवाइया खाए तब नु फायदा हो। सुनला से फायदा नहीं के होती के कह देला, जौन सुने ओकर फायदा हो। निमन सुने तो निमन फायदा हो, बाउर सुने तो बाउर फायदा हो, खराब फायदा हो। भक्ति के भगवान अपने मुख से कह रहल बनी कि पहल का आधार सुनी। जितना सुने जितना सुने सुनत सुनत उहे विचार रुवा भीतर जाई, वह भावना रुवा भीतर जाए और रुवा वैसने हो जाए, सुनते सुनते वैसे ही हो जाए, ई भक्ति है। ऐसे कहल गई स्त्री धन नास्तिक वैरी चरितम
न श्रवणीयम्। ये निंदा मत सुनी, भगवान से बाहर के चरित्र भाव मत सुनी, जो निकृष्ट बात भाव मत सुनी, लेकिन आम आदमी के तो मन वही में लागेला। सुनला भक्ति है, तो लोग के रोज तो सुनते बानी, दिन भर तो सुनता नहीं। पाड़े जी आए रहे सुना के गई ले, कहा सुनाई ले, तो दिन भर जतना इन्हें उन्हें भइल बा बवाल सब सुना के गई ले। हमने अगर केहू केहू के निंदा सुनावता तो खुश होके कहने की ये बहन जी केहू का घर केहू गई, तो अगर धर्म के बात सुनावे लगल तो दूसरा जन ने बड़ा दिमाग खराब कर लिया। आज अली तो एक घंटा इनकर पुराण शुरू हो जाना, बड़का भक्ति बनल बड़ी इनका, जैसे बुझाता के वो भक्ति नहीं किए, बहुत बोर करती है। अगर अच्छी बात सुना दी तो कहते बहुत बोर करती है, और अगर निंदा सुना, क्योंकि शिकायत सुनावे लगल के हुआ के कि ये बहन जी का बताई, फलनवा के बेटी भाग गई, जमाना कितना खराब हो गई बा, हिनकर मर्द इतना शराब पिए ले नाली में पड़ल रह, देखे ना कितना बेकार लोग बा, उनकर लड़का बा ऐसे ही रहता, पढ़तो नहीं के बिगड़ गई बा, ये तनी और ना बताई, और का होता, ना ना काम ढेर बा जाए के बा, इतनी चाह पी के जाए। निंदा कोई सुनावता तो हमने चाहो पियावता नहीं, उनका खातिर पकौड़ियों बनावता नहीं। हमने के दिमाग में केहू कूड़ा कचड़ा गंदगी लिया के डालता तो कर स्वागत कर जाता, श्रवणम भक्ति है, तो ऐसन श्रवण ना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जेकर कान समुद्र जैसन बा, और भगवान के कथा छोट छोट नदी जैसनों में जाई समुद्र घाला ना, तो खूब सुनी, सुनते सुनते एक दिन भक्ति दृढ़ हो जाएगी। तो ये पहला बतनी राम जी कि श्रवणम, ओकरा बाद गाई कीर्तनम, भगवान के नाम के कीर्तन करी, खूब गाई झुम झुम के, भाव विभूर हो जाई, और कुछ कैला के जरूरत नहीं, नाची गाई मस्त हो जाई, भगवान के नाम गावत गावत ना। हमने तो गईबे करनी, मस्त हो जानी, नचबो करने का, लुंगी डांस अब ली, ये लुंगी डांस किला से कुछ के अलावा आइए को विराम लियाओ, फिर कथा आगे बढ़ी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कथा सुन राम कथा, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्रवणम कीर्तनम, दिल खोल के, भाव विभोर होके, प्रभु के सब समर्पित होके, भगवान के नाम के गावल की कीर्तन है। उनके कीर्ति के गान करत करत तन खो जाए, मिला जाए वही में, मस्ती में नाचे के जरूरत ना पड़ो, मन मयूर राचे लागो, एक रंग कीर्तन कहा। चैतन्य महाप्रभु नाचत रही, गावत रही, कीर्तन करत रहे, वही कीर्तन से प्रभु मिलने, मेरा भाई गावत रहे। आज कीर्तन होला कहीं कहीं देहात में अठजाम होला, तो बड़ा लीला बा, ये भगवान के भक्ति के वो साधन है, कीर्तन भगवान के भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन भगवान के भक्ति है। पहले सिनेमों में कितनों प्यार मोहब्बत के गाना होके तो एको भक्ति भजन निमन रहत रहे, कहीं ना कहीं उनमें दर्शन दो घन श्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रहे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ऐसे मिशन भी गाना रहे। अभी जो हम कत्र नहीं, ना कोनो सुर बा, ना कोनो ताल बा, लुंगी डांस अबली, ये कोनो गाना है, सब लोग नाच रहल बा, लुंगी डांस चल रहल बा, वही में देखी तले आगल गंदी बात, गंदी बात।
अरे एक वो गाना नहीं लोग बनावत की नीमन बात नीमन बात गंदी ये बात हुई। कीर्तनम भगवान के सुमिरन खूब मन से गावल उनकर नाम हरी बोल हरी बोल। जैसे हरि के भगवान के शब्द जीव से निकलेला आत्मा पवित्र होके लगेला। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। खाली इतने कीर्तन होको कोनो जोग कोनो वैराग कोनो भक्ति कैला के जरूरत नहीं के। खाली इतने गा लिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनम भक्तिया स्मरणम याद कैल भगवान के बार बार मन में भगवान के वास हो ठाकुर जी के वास हो राम जी के वास हो अपना इष्ट देवता के वास हो। एमे तो अतना कोठरी में लोग पहले से भरल बाकी ठाकुर जी के घुसे के जगह नहीं के मिलत। ठाकुर जी आवे के चाहता नहीं लेकिन जब जाता नहीं तो भीड़ ढेर बा। पहले से नाटक नौटंकी सिनेमा वासना तृष्णा हंता हाउसफुल बा टिकट ब्लैकों में निखे मिलत। भगवान जी कने एक टिकट चाहिए भीतर जाए के बाद तो गतलो खत्म हो गई बा। भीतर हाउसफुल बा तो के बा भीतर जाल जंजाल बा भीतर माया बा भीतर संसार के परपंच बा भीतर भगवान जी बारे खड़ा रहता। स्मरणम याद करी याद करी जितना याद कर सके। संत लोग कहला कि मुख से लीजिए नाम हाथ से कीजिए काम। मुंह से नाम लेत रही हाथ से काम करत रही तृप्त हो जाए मुक्त हो जाए। समय नहीं मिलत भगवान के सुमिरन करेंगे। अरे समय के कमी बा संसार में कोनो ऐसा काम नहीं है जो ना काम खातिर भगवान के सुमिरन छोड़ल जा। हनुमान जी से पूछनी राम जी कि विपत्ति हनुमान जी का है तनी बताई। हर आदमी खातिर विपत्ति अलग अलग होला। केहू गरीब का घर में खाना नहीं खे तो बुझाई कि आज विपत्ति आ गई। केहू का घर केहू मर गई तो ओकरा खातिर भारी विपत्ति है। क्योंकि एक्सीडेंट हो गई तो वो विपत्ति है। क्यों गरीब का कपड़ा नहीं खेतन पर ठंड के मौसम बा ओढ़े के नहीं खे स्वेटर नहीं खे तो विपत्ति है। हनुमान जी कहनी जीव खातिर सब के खातिर विपत्ति कुछ होत हुई बगैर हे भगवान हमरा खातिर कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना हुई। हे प्रभु हमरा खातिर तो विपत्ति हुए है कि जहिया राव सुमिरन ना भइल रवा के याद ना कहनी तो समझ लेनी कि विपत्ति आ गई बा। ऐसे बड़ विपत्ति का हो सकता जो भगवान के सुमिरन जीव से छीन ले हो। ऐसे बड़ विपत्ति का हो सकता जो जीव के भक्ति खत्म कर दे ओकर साधन पद समाप्त कर दे। यह सबसे बड़ा विपत्ति है। तो स्मरणम याद करी एक खातिर कोनो साधन की जरूरत थोड़े बा। जहां बानी जैसे बानी वैसे ही याद करी काम करतनी चलतनी घूमतनी फिरतनी नहातनी। कितना आदमी नहातना बम 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 भोलेनाथ ओम नमः शिवाय ओम जय राम ओहो घरी कली तो निमन बा। लेकिन ये ढेर लोग बा बाकी कभी ना करी लोग छे जब जाड़ लागी ठंडा के दिन में तबे कही वही बम बम भोले लोटा के पानी जैसे पड़ल जाड़ लागल तब बम बम भोले। अच्छा है कहीं अकेला में गनी डर लागल तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्थि लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा जब डर ले तो। आई एगो छोट विराम लियाओ फिर ही कथा आगे बढ़ी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्मरणम भगवान की याद करी हमेशा। एकरा खातिर न कोनो टाइम के समय के बंधन बा
न कोनो जगह के बंधन बा, जहां वाणी वही जा सुमिरन करे। भगवान कण कण में वाणी कहीं भी, जहां सुमिरन करे, जहां याद करे, वही जा वहां का मिल जाए। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदात ही रीति। जेकरा हृदय में जैसन भक्ति हुई, जे जहां हुई, प्रभु वही जा वही रीति से प्रकट हो जाए। ओकरा बाद बताओ तनी पाद सेवा, कि भगवान की सेवा हो। दो रूप में सेवा बतावल गई। एगो तो ठाकुर जी के स्थापित करके मूर्ति राख के, लड्डू गोपाल जी के राख के, चाहे देवी देवता के मूर्ति राख के विधि विधान से अच्छत पूजन कर जाओ, सेवा भइल कि भोग लगाओ तनी, तो जौन कर्म हम करतनी सब वहां के समर्पित करके करतनी। कि भोजन बनल तो पहले भोग लगावल गई, तो ये पाद सेवनम। एक जगह भागवत में भगवान कहतनी कि जे खाली हमरा के मंदिरे में पूजेला, और कण कण में व्याप्त हमरा रूप के ना समझेला, हम ओकरो के प्राप्त ना होने। तो भगवान के सेवा मंदिर के रूप में साकार, मूर्ति रूप में भी, और प्राणी के रूप में भी जन भगवान के रूप बा, वो सेवा इहो पाद सेवनम। स्वामी विवेकानंद जी एक बार राजस्थान के एगो राजा के यहाँ ठहरने, तो राजा साहब वेदांतवादी रही, निराकारवादी रही, कहे लगनी कि स्वामी जी राउर विचार राउर ज्ञान तो बड़ा उच्च बड़ा उत्तम बा, बकर राउरा गुरु जी के बारे में तनी हमार मान्यता ला, काली माई के पूजा करता नी, मूर्ति धैले बानी, काली माई वहां से बतिया आता नी, ये सब हमारा बकवास बुझा। यह माटी के मूर्ति के पूजला का जरूरत बा, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान कण कण में रहे नहीं। माटी के मूर्ति या फोटो पूजला से कहीं भगवान मिलते नहीं। तो स्वामी विवेकानंद भी वेदांतवादी रही, लेकिन कहनी कि ये बात इनका के समझावल जरूरी बा। तो राजा के बाबूजी के उनका पिताश्री के फोटो टांगल रहे। स्वामी विवेकानंद कहने की ये फोटो के कर कहने की सम्राट जो हमारा पहले रहनी हमारे पिताश्री वहां के फोटो है, तो तनी फोटो उतारल जाओ। सिपाही लोग आयल फोटो उतरलक, स्वामी जी कहने की फोटो पर थूक दी। अब राजा साहब एकदम गरम हो गए, हमारा बाबूजी पर थूके के कहते कैसन महात्मा बनी रहुआ, तनी हो सर रहुआ बुद्धि नहीं के बाबूजी पर थूकल जाला, अपमान हो जाई बाबूजी के। स्वामी विवेकानंद हंसे लगनी, कने की बाबू जी है कि फोटो कागज है, तो ये तो कोई चित्रकार बनैले बा, बाबूजी थोड़े हैं, हम तो फोटो पर थूके के कहते नहीं, बाबूजी पर थूके के थोड़े कहते नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी बतैनी कि जैसे ये फोटोवारा और बाबू जी हैं, वैसे ही मूर्तियां हमने के भगवान जी हैं, उन्हें के मूर्ति है, उन्हें के फोटो है भगवान के। तो ये हूं मैं बानी वहां का। एगो भक्त रली, वो पूजा करस अपना लड्डू गोपाल के, कृष्ण भगवान के, छोटी से एगो ठाकुर जी रखले रली, रोज नियमित उनकर पूजा पाठ करस, उनकर बेटा पढ़त लिखल बड़ आदमी बन गईले, और इतना सेवा वो ठाकुर जी के करस वो कि रोज खियावस टाइम पर, रोज पानी पियावस, रोज जगावस, रोज नहावस, और रोज रतिया के सुता दस। गर्मी के मौसम रहे, एक दिन उनका बुझाइल कि हमरा ठाकुर जी का बुखार हो गई बा, तो अपना बेटा से कहली कि बेटा तनी डॉक्टर साहब के बुला दे, हमरा ठाकुर जी का बुखार हो गई बा, तनी जांच कर दी। बेटा कहल कि पागल हो गई बाड़ू, हई मूर्ति उर्ति का बुखार लगेला है, एगो हती चुकी धल एल बार पत्थर कतर के इनका बुखार लग गई बा, इसे बकवास बंद कर। बहुत रोए लगली, तड़पे लगली, कहली कि ना बबुआ, हमरा ठाकुर जी आज भोग ठीक से ना लेनी है,
यहाँ के मन मिजाज ठीक नहीं के बुझात, बुझाता कि बुखार हो गया ठाकुर जी के, तनी डॉक्टर बुला द, तनी दिखा द। अब ना मिलने तो कहे लगली कि अब हमू ना खाए, हमार ठाकुर जी भोग ना लेब तो हमू ना खाए। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, ना खैली ना पानी पियली कि ठाकुर जी के इलाज जबले ना होई, हम कुछ नहीं की खा सके। लोग आयल समझावे लागल, लोग बुझाता पगला गिल बड़ी, कहीं मूर्तियों का बुखार होला, कहीं पत्थर का बुखार होला, लेकिन वो रोज खाली पुका फार के कि हमरा ठाकुर जी के केहू के इलाज नहीं के केहू करावत। बेटा से कहस कि बबुआ केहू डॉक्टर के बुला दा, हमरा ठाकुर जी के दिखा दा। लोग सोचलक कि बीमार पड़ गई बड़ी है, इनके कोनो मानसिक रोग हो गई बा। तो लोग कहलक उनका बेटा के कि तहर माई बुझाता पगला गई बड़ी, डॉक्टर आई छू छा दी तनी ऐसे ही, तो इनका संतोष हो जाए कि ठाकुर जी के इलाज हो गई। डॉक्टर बुलावल गई, बड़ा भारी चमत्कार हो गई। डॉक्टर अलें सोच के कि आला लगा के तनी देखे बकवा देव के ठीक बानी ठाकुर जी, और जैसे आला लगैले धड़कन सुनाए लागल, वो पत्थर में से धक 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 सुनाए लागल, और पत्थर के नारी चलत रहे, वो पत्थर जिंदा रहे। डॉक्टर साहब घबरा गए कि ये क्या हो। सब लोग के जब बात बतनी तब बुझाइल कि ठाकुर जी पत्थर नाही तो जिंदा बानी, और साँचो बुखार बा, साँचो बुखार बा, भोग में दवाई चढ़ावल गई बुखार ठीक हो गई। तो पाद सेवनम, भगवान के सेवा कोनो हवा में ऐसे ही आंख बंद करके ना कैल्याला, भगवान वाणी जहां स्मरण कैल जाई ओजा भगवान उपस्थित होनी। आज के कथा यही जा विराम ली, आई भगवान नाम के सुमिरन साथ में कर लिया। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री